नमस्कार दोस्तों, नमस्कार नमस्कार। आज इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। जल्दी से आ जाइए सभी लोग लाइव फटाफट। आज की जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाइए। हर रोज रात को 9 से 10 में लाइव आता हूं, जल्दी से आ जाइए। आज इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी सैनिक स्कूल के एक्चुअल फी स्ट्रक्चर के बारे में। एक तो होता है फी स्ट्रक्चर और एक होता है आपका एक्चुअल फी स्ट्रक्चर, जो एग्जैक्टली पेरेंट्स को कितना पे करना पड़ता है। सैनिक स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुका है, ठीक है जी। तो हमारी कोशिश क्या है कि हमारे पेरेंट्स को सैनिक स्कूल के बारे में प्रॉपर एग्जैक्ट जानकारी हो, किसी भी पेरेंट्स को एडमिशन करवाने में दिक्कत ना आए। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि पेरेंट्स को एग्जैक्टली समझ में आए कि स्कॉलरशिप कितना मिलता है, किस किस आधार पर स्कॉलरशिप दिया जाता है, ठीक है जी। तो आज की जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से लाइव आ जाइए, फटाफट कनेक्ट कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ठीक है जी। जल्दी जल्दी आ जाइए फटाफट, फिर आगे चलते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें आज आपको जानकारी मिलेगी सैनिक स्कूल के फीस स्ट्रक्चर के बारे में और आपको जानकारी मिलेगी स्कॉलरशिप के बारे में। हर स्टेट गवर्नमेंट बच्चों को स्कॉलरशिप देती है। अगर आपकी एनुअल इनकम कम है तो स्कॉलरशिप अलग मिलती है, लेकिन अगर आप पढ़ाई लिखाई में अच्छे हैं, एकेडमिक्स में आप अच्छे हैं, स्पोर्ट्स में आप अच्छे हैं, तो आपको मेरिट के आधार पर अलग से आपको स्कॉलरशिप दिया जाता है। आगे चलते हैं। तो ये सारे डिटेल आपकी स्क्रीन पर आपको शो किया जा रहा है और इसको मैं लेकर के चलता हूं फटाफट, ताकि आपको आइडिया लग जाए। ये रहा, तो वीडियो की शुरुआत मैंने कर दी है और देखिए जरा फीस स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। तो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि करीब करीब 1,08,000 रुपए फीस चार्ज किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। फीस जो है वो इससे काफी ज्यादा है, मैं आपको समझाऊंगा। जनरल वालों की और डिफेंस वालों का फीस स्ट्रक्चर अलग है, जो हमारे एससी एसटी कैटेगरी के बच्चे हैं उनकी फीस अलग है, यानी जो अनुसूचित जनजाति से अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं उनकी फीस अलग है। अब सवाल ये आता है कि सर फीस में क्या क्या चीजें चार्ज किया जाता है। आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो ट्यूशन फीस होती है, उसके बाद आपका क्लोथिंग फीस, आपके कपड़े वगैरह वहां पे धुलते हैं, आपको अलग से कपड़े मिलते हैं। थर्ड नंबर पे आता है आपका डाइट चार्जेस, ठीक है जी। आपका जो खाने पीने का जो खर्चा होता है पर डे के हिसाब से आपसे चार्ज किया जाता है, ठीक है जी। उसके बाद आता है आपका पॉकेट मनी, एक बहुत ही छोटी सी अमाउंट एज ए पॉकेट मनी चार्ज किया जाता है। उसके बाद आता है आपका इंसिडेंशियल चार्जेस और आपका आता है सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जर्नल और डिफेंस वाली जो फीस है और जो एससी एसटी वाली फीस है उसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ 1500 रुपए का फर्क है ना। तो यहां तक आपकी ट्यूशन फीस सेम है, क्लोथिंग फीस सेम है, डाइटरी चार्जेस, पॉकेट मनी, इंसिडेंशियल चार्जेस, सिर्फ फर्क क्या है सिक्योरिटी डिपॉजिट का। जो जर्नल वाले हैं उनसे 3000 रुपए सिक्योरिटी लिया जाता है, एससी एसटी वालों से 1500 रुपए। आगे चलते हैं। ये तो होगी आपकी फीस स्ट्रक्चर। अभी सिर्फ इतनी फीस नहीं है, कई पेरेंट्स बहुत सारे खुश होंगे, अरे वाह 1,08,000 रुपए में बच्चे को पढ़ने का मौका मिल रहा है, वाह जी वाह, फटाफट सैनिक स्कूल का फॉर्म भरवा लेते हैं। 20 अक्टूबर से फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे, 19 नवंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है, इसमें एक्स्ट्रा चार्जेस और जुड़ते हैं। आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि वो पेरेंट्स जो बहुत ही दूर स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है जी, जो आपके साउथ से बिलोंग करते हैं, हैदराबाद से बिलोंग करते हैं, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, तेलंगाना, आपका चेन्नई, तमिलनाडु, जो दूर के स्टेट से बिलोंग करते हैं, उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, असम से बिलोंग करते हैं, वो अपने बच्चों को इवनिंग क्लासेस के माध्यम से शाम को तैयारी करवा सकते हैं। इसमें आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, आपके बच्चे के एज के अकॉर्डिंगली शाम को 3 फॉर्म आपके फ्री भरे जाएंगे, 15 बुक्स का सेट मिलेगा और आपको कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है जी। तो अगर आप शाम को तैयारी करवाना चाहते हैं तो आप 7419992928 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो आगे चलते हैं। वो जो मैंने आपको 1,08,000 रुपए फीस बताई थी वो तो अलग थी, इसके अलावा आपका टेक्स्ट बुक्स का खर्चा आपका हो गया, नोटबुक्स का खर्चा हो गया, वो करीब आपसे 1500 रुपए चार्ज किया जाता है। इसके अलावा आपकी प्राइवेट क्लोथिंग, आपको जो कपड़े कुपड़े आपके रिक्वायरमेंट होती है, बच्चा एक साल हॉस्टल में रहता है उसके लिए 18,800 रुपए अलग से जमा होते हैं और हॉर्स राइडिंग की ट्रेनिंग के लिए 4,800 रुपए आपको अलग से देना पड़ता है, समझिए आप। तो ये आपका टोटल अमाउंट बन गया 25,179 रुपीज। तो पहले कितना था आपका, वो आपका जो अमाउंट था वो 1,08,000 अलग और ये 25,000 अलग, तो जब ये जुड़ जाएगा तो आपका टोटल अमाउंट बन जाएगा 1,33,000 रुपीज, ठीक है जी। तो देखिए जनरल वालों की और एससी एसटी वालों की फीस में सिर्फ 1500 रुपए का फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अब सवाल ये आता है कि क्या सच में हमारी जो फीस है वो 1,33,000 है,
तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ऐसा नहीं है। कुछ बच्चे जो है वो 1,20,000 पे करते हैं, कुछ बच्चे 1,10,000 पे करते हैं, कुछ बच्चे 1,00,000 पे करते हैं, कुछ बच्चे 1,33,000 पूरी फीस पे करते हैं। तो सवाल ये आता है कि इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी, लेकिन आपको ध्यान से वीडियो को देखना है। अब हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं कि मैक्सिमम स्कॉलरशिप बच्चे को कितना मिल सकता है। 1,33,000 तो फीस होगी, अब बात आती है स्कॉलरशिप मैक्सिमम कितना मिल सकता है। तो अगर हम लोग बात करें तो स्कॉलरशिप आपका दो आधार पर मिलता है। एक तो आपका होता है मेरिट के आधार पर, कोई बच्चा पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा है, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा है, उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, तो उसको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, यानी अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार, हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो हरियाणा सरकार, पंजाब से बिलोंग करते हैं तो पंजाब सरकार, आपको अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। एक तो स्कॉलरशिप ये हो गया जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश में स्कॉलरशिप देती है, वो 49,000 देती है, और अलग से आपको दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से आपको 15,916 रुपए का स्कॉलरशिप दिया जाता है। यानी अगर कोई बच्चा अच्छे से पढ़ाई लिखाई करता है, मन लगा के पढ़ाई लिखाई करता है, ठीक है जी, तो मैक्सिमम उसको कितना स्कॉलरशिप मिल सकता है, 64,916 रुपीज। टोटल फीस कितनी थी, 1,33,000। अगर आपका बच्चा अच्छे से पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे तो आपको ये 64,000 रुपीज का स्कॉलरशिप मिल सकता है। ठीक है जी, तो एक तो आपकी जो आपकी एनुअल इनकम है, सालाना जो आपकी इनकम है, फैमिली की इनकम है, उसके आधार पर भी आपको स्कॉलरशिप मिलता है, पढ़ाई लिखाई के आधार पर स्कॉलरशिप मिलता है। लेकिन कई बार क्या होता है, पेरेंट्स को नॉलेज नहीं होती, पेरेंट्स को पता नहीं होता, तो आज इस पूरी वीडियो में आपको डिटेल्ड में बताऊंगा कि आप कैसे अपने बच्चों को तैयारी करवा सकते हैं। कोई दिक्कत आती है, फॉर्म निकल चुके हैं, 7419992928 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। आगे चलते हैं। अब सवाल ये आता है कि जैसे मान लीजिए कोई पेरेंट्स, वो पेरेंट जो डिफेंस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है जी, तो डिफेंस कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं और जो आर्मी में सोल्जर्स होते हैं, एनसीओस होते हैं, उनकी उनको कितना स्कॉलरशिप मिलता है, उनको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से टोटल कितना स्कॉलरशिप मिलता है, 45,916 रुपीज। ठीक है जी, अगर वो जेसीओ कैटेगरी में आते हैं, जेसीओ क्या होता है, जूनियर कमीशनड ऑफिसर, ये आपके हवलदार से ऊपर रैंक जो होती है, आपके सूबेदार हो गए, नायब सूबेदार हो गए, सूबेदार मेजर हो गए, तो उनके बच्चों को कितना स्कॉलरशिप मिलता है, 29,916 रुपीज। और आगे चलते हैं और जो बात करते हैं ऑफिसर्स कैटेगरी की। सवाल ये आता है कि सर ऑफिसर्स कौन से होते हैं, आपके जो सबसे जो जूनियर ऑफिसर होता है वो होता है लेफ्टिनेंट, उसके बाद आते हैं आपके कैप्टन, मेजर, ठीक है जी, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, ठीक है जी, उनके बच्चों को कितना स्कॉलरशिप मिलता है, 13,916 रुपीज। तो जो सोल्जर्स के बच्चे होते हैं उनको फुल स्कॉलरशिप मिलता है, जो जेसीओ होते हैं उनको हाफ, और जो ऑफिसर्स होते हैं उनको बहुत ही कम स्कॉलरशिप मिलता है, उनकी ऑलरेडी सैलरी बहुत अच्छी होती है। आप लोग सैनिक स्कूल की तैयारी करवा रहे हैं तो आप ये मान के चलिए 12 से 15 लाख रुपए का पैकेज मिलता है, तो उनको स्कॉलरशिप की क्या जरूरत है, आप बताइए, क्या वो अपने बच्चे को 1,00,000 रुपए लगा करके सैनिक स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, पढ़ा सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं, सवाल ये आता है कि स्कॉलरशिप कैसे मिलेगा। ठीक है जी, तो जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होंगे, जिनके आप समझिए आपको हर सब्जेक्ट में, अगर आपके फादर इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी में बिलोंग करते हैं, तो आपको टारगेट क्या करना है, आपको कम से कम 45% नंबर लेना है आपको मैथ्स में, इंग्लिश में, सोशल में, साइंस में, ठीक है जी, आपका मैथमेटिक्स हो गया, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उसमें आपको हर सब्जेक्ट में 45 नंबर लेने पड़ेंगे, और ओवरऑल यानी जो आपका ओवरऑल परसेंटेज होता है उसमें आपको कम से कम 55% से आपको ऊपर लेकर के आना है। अगर आपका बच्चा सैनिक स्कूल में पढ़ रहा है और सालाना 55% से ऊपर लेकर के आ रहा है, और अगर आप ओआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 45,000, अगर आप जेसीओ कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 29,000, और अगर आप ऑफिसर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 13,000 रुपए। सोचिए 55% नंबर लाना कितना ईजी है। आपको बता दूं कि जो बच्चे सैनिक स्कूल में पढ़ते हैं उनके एवरेज 80% मार्क्स आते हैं, एवरेज यानी नलायक से नलायक बच्चा भी 75-80% नंबर तो वैसे ही ले लेता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये सबसे मजेदार चीज है जो ज्यादातर पेरेंट्स को नहीं पता होती है, एक हम लोग बोलते हैं बिग, इसको हम लोग बोलते हैं बिग बोनाजा। ठीक है जी, बिग बोनाजा क्या होता है, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से चलाया जाता है इंसेंटिव प्रोग्राम, यानी जो हमारे बच्चे अच्छे पढ़ाई लिखाई अच्छा करते हैं, स्पोर्ट्स में अच्छा ध्यान देते हैं, और 11th और 12th क्लास में बच्चे एनडीए की तैयारी करते हैं। अब मान लीजिए आपका बच्चा एनडीए में सेलेक्ट हो गया, या आपका बच्चा टेक्निकल एंट्री स्कीम में सेलेक्ट हो गया, तो आपके बच्चे का ट्यूशन फीस 2 साल का पूरा माफ कर दिया जाएगा।
सवाल ये आता है कि सर ट्यूशन फीस कितना होता है। करीब करीब 70 से 80 हजार रुपए एक साल का ट्यूशन फीस होता है, यानी मोटा मोटा आपका 1.5 लाख रुपए 1,50,000 रुपीज का फायदा आपके बच्चे को होगा। आपका बच्चा जो 11th और 12th क्लास में तैयारी करता है, मेहनत करता है, जोर लगाता है, एनडीए की तैयारी करता है, उसका फायदा कौन देता है आपको? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस देती है। ठीक है जी, क्यों देती है? क्योंकि आपके बच्चे ने एनडीए का पेपर क्लियर किया है, क्योंकि आपके बच्चे ने टेक्निकल एंट्री एग्जाम, टेक्निकल एंट्री स्कीम का जो पेपर होता है, जिसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में 70% मार्क्स लेना पड़ता है 12th क्लास में। तो जो बच्चे अच्छा पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, उन बच्चों को 11th और 12th क्लास में जो ट्यूशन फीस वो जमा करते हैं उसको रिफंड कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं फैमिली को एक सपोर्ट मिल रहा है, बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आपको सपोर्ट कर रही है। ये चीजें हमारे स्कूल में भी है, हमारे स्कूल में भी स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं उनको फायदा मिलता है, उनको हमारे स्कूल में फ्री में पढ़ाया जाता है। अगर आपका बच्चा टॉप 51 स्टूडेंट्स में आता है, परफॉर्म करता है, हर साल मार्च में स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट किया जाता है और हम लोग टॉप 51 बच्चों को सिलेक्ट करते हैं। मान लीजिए आपका लड़का या लड़की सिलेक्ट होता है तो आपके बच्चे को हमारे स्कूल में फ्री पढ़ने का मौका मिलेगा। आपको करना क्या है, 7419992928 पर कॉल करना है, जानकारी लेना है कि सर मैडम विनय सर ने स्कॉलरशिप के बारे में बताया था, स्कॉलरशिप स्कीम क्या है। क्योंकि सैनिक स्कूल में मैंने आपको बताया फीस काफी ज्यादा है ना, 1,33,000 रुपीज फीस आती है आपकी। हाँ, अगर आपको स्कॉलरशिप वगैरह मिल जाए तो आपके लिए अच्छा है, 64,000 रुपीज का मैक्सिमम स्कॉलरशिप आप ले सकते हैं। लेकिन वो चीजें कब होंगी? जब आप पढ़ाई लिखाई में ध्यान देंगे। अब आता है आपकी स्क्रीन पर फुल डे लाइव क्लासेस के बारे में। ठीक है जी, तो कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो हॉस्टल में नहीं भेज पा रहे हैं, उनको लगता है कि हमारा बच्चा अभी हॉस्टल में नहीं आ पाएगा, तैयारी नहीं कर पाएगा, बच्चा ज्यादा छोटा है, बच्चे की एज कम है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने बच्चे को घर से बैठ करके तैयारी करवानी है, सुबह 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक। डेली आपका बच्चा 9 से 10 घंटे हमारे स्कूल में पढ़ेगा, लाइव क्लासेस लगाएगा, यानी आपके बच्चे की स्कूल की पढ़ाई, आपके बच्चे की सैनिक स्कूल की तैयारी, ये दोनों चीजें आपका बच्चा हमारे पास करेगा। और जब आपका बच्चा ऑनलाइन क्लासेस लगा रहा है तो उसमें फीस आपकी बहुत कम हो जाएगी। ठीक है जी, तो कॉल करके आप जानकारी लो सब। और अच्छी बात क्या है कि अगर आपका बच्चा फुल डे क्लासेस लगाता है तो आपके बच्चे का एज के अकॉर्डिंगली अक्टूबर से लेकर के मार्च तक, कॉल करके आप जानकारी लो, तो एज के अकॉर्डिंगली आपके बच्चे का फॉर्म भी फ्री भरा जाएगा, है ना। तो हम लोग चेक करते हैं कि एज के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा कौन कौन सा फॉर्म भर सकता है, उसके अकॉर्डिंगली आपके बच्चे को तैयारी करवाते हैं। आपका बच्चा हर संडे वीकली ऑनलाइन टेस्ट देता है। अब सवाल ये आता है कि सर वीकली ऑनलाइन टेस्ट का क्या फायदा है? आप पहले ही चेक कर सकते हो बच्चे में कितना दम है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डाटा एनालिसिस। तो आपके बच्चे का कौन सा एरिया स्ट्रांग है, कौन सा एरिया वीक है, कौन सा चैप्टर ज्यादा पढ़ना है, कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है, कौन सा चैप्टर कम पढ़ना है, कौन से चैप्टर से सैनिक स्कूल में क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, कौन से चैप्टर से कम आते हैं, इसका फायदा आपको कैसे मिलेगा? जब आपका बच्चा, आपके बच्चे को 3,000 से भी ज्यादा रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर फ्री दिया जाता है, आपके बच्चे को ऑनलाइन कोर्स भी पूरा फ्री मिल जाएगा, वीकली ऑनलाइन टेस्ट आपका बच्चा देगा, एज के अकॉर्डिंगली 5 फॉर्म हम फ्री भरेंगे। ठीक है जी, 15 बुक्स का सेट जिसके अंदर आपको 40 सैंपल पेपर मिलेंगे, 10 सैंपल पेपर सैनिक स्कूल के, 10 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के, 10 सेंट्रल हिंदू स्कूल के और 10 जवाहर नवोदय विद्यालय के। तो आइए आगे चलते हैं और एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि कई बार एक एग्जाम्पल समझते हैं कि मान लीजिए एक क्लास में 50 बच्चे हैं। अब उसी क्लास में कोई बच्चा 90,000 फीस दे रहा है, कोई बच्चा 1 लाख फीस दे रहा है, कोई एक बच्चा 1,33,000 फीस दे रहा है, कोई बच्चा 1,20,000 दे रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं तो उनको स्कॉलरशिप मिल जाती है। वैसे तो फीस कितनी है? 1,33,000। ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ आंध्र प्रदेश का। ठीक है जी, आंध्र प्रदेश का मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ जहां पे सैनिक स्कूल कालीगिरी है। तो आपको समझाने के लिए, आपको गाइड करने के लिए, तो एक एग्जाम्पल के तौर पे अखिलेश नाम का बच्चा है और वो फीस पे कर रहा है 1,24,000 और दूसरा सागर नाम का बच्चा है उसी क्लास का, वो फीस पे कर रहा है 89,000। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके बच्चे के ऊपर, आपकी क्वालिटी के ऊपर कि आपका बच्चा कितना फीस देगा। ठीक है जी, तो वो आपकी फैमिली इनकम भी होगी, आपके बच्चे की परफॉर्मेंस होगी। तो हो सकता है अगर आपका बच्चा अच्छा पढ़े, ध्यान दे, मेहनत करे, तो बाकी बच्चे वहां पे फीस दे रहे हैं 1,30,000 लेकिन आपका बच्चा वहां पे सिर्फ 1 लाख रुपए में पढ़ सकता है। ठीक है जी, अब एक और चीज को समझते हैं कि जैसे कई बार पेरेंट्स का सवाल आता है कि सर सैनिक स्कूल में जो फीस है वो हर साल 10% बढ़ती है। बिल्कुल बढ़ती है जी, कई बार पेरेंट्स को नहीं पता होता है, नॉलेज नहीं होती है, पेरेंट्स परेशान होते हैं, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए आपका बच्चा
इस साल एडमिशन करवाता है सैनिक स्कूल में और उसकी फीस है 1,33,789 रुपीस। ठीक है जी, अब मान लीजिए उसको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिला, मान लीजिए आपके बच्चे को, आपकी फैमिली इनकम भी अच्छी खासी है, आपकी फैमिली इनकम बहुत अच्छी है, आपको सरकार की तरफ से कोई स्कॉलरशिप नहीं मिला और आपका बच्चा पढ़ने में भी ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, तो आपके आपके बच्चे को मेरिट के आधार पर भी कोई स्कॉलरशिप नहीं मिला, तो आपको सैनिक स्कूल की पूरी फीस भरनी पड़ेगी 1,33,789 रुपीज। अब जब वो सेवेंथ क्लास में जाएगा तो 10% बढ़ जाएगी, तो सेवेंथ क्लास में उसको कितना पे करना पड़ेगा 1,47,167 रुपीज। और वही बच्चा जब एट्थ क्लास में जाएगा तो फिर से 10% फीस बढ़ेगी, तो उसको फीस पे करना पड़ेगा एट्थ क्लास में 1,61,883 रुपीज। वही बच्चा जब नाइन्थ क्लास में जाएगा तो 10% फीस फिर से बढ़ेगी और उसको फीस देना पड़ेगा 1,78,071 रुपीज। टेंथ क्लास में जाएगा तो 1,95,000 देनी पड़ेगी, इलेवेंथ क्लास में जाएगा तो 2,15,000 देनी पड़ेगी और ट्वेल्थ क्लास में जाएगा तो आपको पे करना पड़ेगा 2,37,000 रुपीज। लेकिन दिक्कत ये आती है कि हमारे पेरेंट्स तो ये कहते हैं कि सर हमारे पास तो तैयारी करवाने के लिए पैसा ही नहीं है, हम तो सिर्फ ट्राई कर रहे हैं, एक महीना तैयारी करवा के देख लेते हैं, दो महीना देख लेते हैं। तो सवाल ये आता है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो जब आपका बच्चा सिक्स क्लास में जाएगा 1,33,000 रुपीज आप कहां से पे करेंगे, सेवेंथ क्लास में 1,47,000 रुपीज आप कहां से पे करेंगे। तो मैं बार बार पेरेंट्स को इसीलिए समझाता हूं, बच्चे को छोटी एज से तैयारी करवाओ, बच्चा पढ़ने लिखने में अच्छा होगा, बेसिक्स स्ट्रांग होंगे, बच्चे ने पहले से तैयारी करी होगी सेकेंड क्लास थर्ड क्लास फोर्थ क्लास से, तो बच्चा वहां जाएगा और बच्चे को करीब करीब 40,000, 50,000, 60,000 रुपए का स्कॉलरशिप मिल जाएगा। ठीक है जी, तो आपको 1,33,000 में से 65,000 आपके लेस हो जाएंगे और आपको सिर्फ और सिर्फ 70,000-80,000 रुपए देकर के सैनिक स्कूल में पढ़ने का मौका मिल सकता है। लेकिन यह चीज तभी पॉसिबल है जब आपका बच्चा पढ़ने लिखने में अच्छा होगा। तो सैनिक स्कूल की जो फीस है, जो ट्यूशन फीस है, वो हर साल 10% बढ़ती है। ठीक है जी, तो अगर 10% के हिसाब से लगाएं तो सिक्स क्लास में 1,33,000 है, लेकिन जब आपका बच्चा 12वीं पास करके निकलेगा तो 12वीं में जब जाएगा तो 2,37,000 यानी करीब 2,40,000 रुपये खर्चा हो जाएगा। तो इसीलिए मैं रोज वीडियोस बनाता हूँ ताकि आपको मोटिवेट करूँ, ताकि आपको समझा पाऊँ, ताकि आप लोग बहाना मारने से बच जाएं। कई लोग काफ़ी फाइनेंशियली साउंड है लेकिन फिर भी आदत है, ढंग से तैयारी नहीं करवाना चाहते हैं। एजुकेशन को लेकर के देखिए, एक पैसा होना और पैसा लगाना दोनों बातों में अंतर होता है। एक बिजनेसमैन आदमी है, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, वो कहता है मैं क्यों लगाऊं पैसे, मैं क्यों लगाऊं, मैं ऐड क्यों करूं, मैं एडवर्टाइजमेंट में पैसा क्यों लगाऊं, मेरा काम तो बहुत अच्छा चल रहा है। तो एक पैसा होना और पैसा लगाना दोनों बातों में अंतर होता है। कई पेरेंट्स ऐसे हैं, बहुत अच्छा फैमिली स्टैंडर्ड है, गाड़ियों में घूम रहे हैं, अच्छी कोठी बनवा रखी है, लेकिन जब तैयारी करवाने की बात आती है तो वो कहते हैं कि ना जी ना, हम नहीं पैसा लगा सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप? तो पैसा होना और पैसा लगाना दोनों बातों में अंतर है। सवाल ये आता है कि आप किस तरफ है। आगे चलते हैं और बात करते हैं स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में। हर साल हमारे स्कूल में स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं है, अगर आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा है, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। हर साल हमारे स्कूल में करीब करीब 1 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप दिया जाता है। 51 बच्चों को हम हर साल फ्री पढ़ाते हैं, हर साल टॉप 51 बच्चों को हम फ्री पढ़ाते हैं और फर्स्ट से लेकर के 11th क्लास के बच्चे तैयारी कर सकते हैं। 11th क्लास में आपको साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम मिल जाएगा, आपका बच्चा हमारे स्कूल में आएगा, एनडीए की तैयारी करवाएंगे, आपके लड़कियों को एमएनएस की तैयारी करवाएंगे, नीट की तैयारी करवाएंगे। ये चीजें पॉसिबल कब है? जब आपका सपोर्ट मिलेगा। तो आपको करना क्या है, 30 नवंबर से पहले पहले आपको स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है। 21 मार्च को एक एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा और यह सारा एग्जाम हमारे स्कूल में कंडक्ट होगा, ऑनलाइन कंडक्ट किया जाएगा, साथ के साथ आपका रिजल्ट आ जाएगा। 100 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें 25 नंबर का मैथ्स, 25 नंबर की इंग्लिश, 25 नंबर का रीजनिंग और 25 नंबर का जीके। 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा और 2 घंटे में आपको 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है और कम से कम आपको टारगेट करना है 80% मार्क्स आपको स्कोर करना है। तो पहला पेपर 21 मार्च को, दूसरा पेपर 28 मार्च को और तीसरा पेपर 4 अप्रैल को। ठीक है जी, 4 अप्रैल के बाद किसी बच्चे को एडमिशन नहीं मिलेगा, पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो उसके बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं और टॉप 51 बच्चों को हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं और बात करते हैं कि क्या आपके स्कूल में ये फैसिलिटीज हैं। एक बहुत बड़ा सवाल है,
आपको बता दूं कि हमने बच्चों के लिए करीब करीब 500 कंप्यूटर्स का लैब तैयार किया है, करीब करीब 1 करोड़ रुपए लगा करके हमने बच्चों के लिए लैब तैयार करी है ताकि हमारे बच्चे हर संडे टेस्ट दें, बच्चों को पेरेंट्स को रिपोर्ट मिले। तो बच्चे जो है वो सुबह 3 घंटे सैनिक स्कूल का टेस्ट और शाम को 2 घंटे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का टेस्ट दिलवाते हैं। समझ में आ गई बात। अगर हम लोग बात करें स्मार्ट क्लासेस की, तो आपको बता दूं करीब करीब 50 लाख रुपए लगा करके हमने स्मार्ट क्लासेस तैयार किया है। हमारे स्कूल में जितनी भी क्लासेस हैं सारी के सारी हमने स्मार्ट क्लासेस बना रखी है। अभी अभी मैंने आपको दिखाया कि हॉर्स राइडिंग की ट्रेनिंग करवाने के लिए सैनिक स्कूल में 4,800 रुपए लिया जाता है। हमारे स्कूल में आप जो बच्चा फीस देता है 1 लाख रुपए, इसी 1 लाख रुपए के अंदर आपको हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, एनसीसी की ट्रेनिंग, स्मार्ट क्लासेस, 24 आवर्स आपको हॉस्टल में डॉक्टर्स मिलेंगे। कोई बच्चा बीमार हो गया, बच्चे को चोट लगी तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, 24 घंटे आपको डॉक्टर्स मिलेंगे और वो डॉक्टर्स डायरेक्टली पेरेंट्स के साथ कंसल्ट करते हैं, बात करते हैं ताकि बच्चे को किसी की तरह की दिक्कत ना आए। आपको क्वार्टरली एजुकेशनल ट्रिप पर लेकर के जाया जाता है सैनिक स्कूल दिखाने के लिए, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, कुरुक्षेत्र, ताकि बच्चों को मजा आए, बच्चों को सीखने का मौका मिल पाए। ये 4 तरह के प्रोग्राम है। पहला प्रोग्राम कौन सा है जिसमें आप स्कूल में आकर के तैयारी कर सकते हैं, दूसरा प्रोग्राम आप घर पे बैठ करके ऑनलाइन क्लासेस लगा सकते हैं, तीसरा प्रोग्राम उन बच्चों के लिए है जो बच्चे ऑलरेडी किसी और स्कूल में है और शाम को हमारे स्कूल में आकर के हमारे स्कूल के माध्यम से लाइव क्लासेस के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। चौथा प्रोग्राम कौन सा है, सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। जो हमारे स्कूल में टीचर्स पढ़ाते हैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, 15 बुक्स का सेट, आपका एक फॉर्म फ्री भरा जाएगा। तो ये आपकी स्क्रीन पर हमारे स्कूल का प्रोस्पेक्टस है, 7419992928 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि हॉस्टल में आते वक्त आपको क्या क्या सामान लेकर के आना है आपकी स्क्रीन पर है। जब भी बच्चा हॉस्टल में आएगा, इस साल की प्लानिंग कर रहे हैं, अगले साल की प्लानिंग कर रहे हैं, नवंबर और दिसंबर में क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है जी, 15 अक्टूबर से स्कूल ओपन हो चुके हैं, बच्चे को लेकर के आइए, फादर मदर आइए, स्कूल विजिट कीजिए, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। 10 जनवरी को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। जो समझदार पेरेंट्स हैं, जो पेरेंट्स एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, प्रॉपर तरीके से 1 साल 2 साल प्रॉपर तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है जी। आगे अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट से लेकर के थर्ड क्लास के बच्चों की फीस कितनी है, 1,20,000 रुपीज, फोर्थ से लेकर के सिक्स क्लास के बच्चों की फीस कितनी है, 1,60,000 40,000, और सेवन से लेकर के ट्वेल्थ क्लास के बच्चों की फीस है 1,60,000। लेकिन जो पेरेंट्स समझदार हैं पहले ही रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं और उन बच्चों को हमारे स्कूल में फ्री पढ़ने का मौका मिलता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्कॉलरशिप टेस्ट दिया है, बच्चा सेलेक्ट हुआ है। तो आगे चलते हैं, कुछ आपकी स्क्रीन पर रिजल्ट है, इसके बाद हम लोग आपके सवाल जवाब लेंगे। मैंने आपको बताया था आधे घंटे में आपको पीपीटी समझाता हूँ पूरे आपके जो सवाल, उसके बाद आधे घंटे में आपके क्वेश्चंस लेंगे, आपके मन में क्या क्या सवाल जुड़े हुए। पेरेंट्स की क्वेरी लेना बहुत जरूरी है। हर पेरेंट्स को टारगेट क्या है, पर्सनली रिप्लाई करना है, पर्सनली हर पेरेंट्स की मदद करनी है। तो ये आपकी स्क्रीन पर हमारे कुछ रिजल्ट्स हैं जो आप चेक कर सकते हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं कई सालों से, और करीब करीब 10 साल से मैं सैनिक स्कूल की तैयारी करवा रहा हूँ, मिलिट्री स्कूल की। और तो नेक्स्ट चलते हैं, और आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला जो सवाल है, रंजीत कुमार जी का मैसेज है, एडमिशन कब होगा? स्कूल ओपन हो चुके हैं, एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है दोस्त, जल्दी से जल्दी एडमिशन करवाइए। अमोक जी, आपको हमने लिंक दे दिया है सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के सैंपल पेपर, हम आपको बिल्कुल फ्री दे देंगे, ठीक है जी। जो पेरेंट्स ऑनलाइन आते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, उनको कोई भी चीज़ चाहिए, जो चीज़ें हम आपको फ्री दे सकते हैं वो आपको जरूर मिलेगा। आपको पॉजिटिवली तैयारी करवानी है। स्तुति मिश्रा जी का मैसेज आ चुका है, कैन वी अप्लाई फिल सैनिक स्कूल फॉर्म इन लैपटॉप और डेस्कटॉप? बिल्कुल जी, आप लैपटॉप से भी भर सकते हैं, डेस्कटॉप से भी भर सकते हैं, मोबाइल से मत भरिएगा, मोबाइल में दिक्कत आ जाती है, परेशानी होती है, टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है जी। तो मोबाइल से आपको नहीं भरना है, आप लैपटॉप के माध्यम से, आप कंप्यूटर के माध्यम से भर सकते हैं, और आप सिर्फ 2,000 रुपये देकर के हमारी मदद से सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल दोनों फॉर्म भरवा सकते हैं, ठीक है जी। सैनिक स्कूल का फॉर्म भरने की लास्ट डेट 19 नवंबर है, RIMC देहरादून का फॉर्म भरने की लास्ट डेट, RIMC देहरादून का फॉर्म भरने की लास्ट डेट 30 नवंबर है, UP सैनिक स्कूल लखनऊ का फॉर्म भरने की लास्ट डेट 15 नवंबर है, RK मिशन स्कूल का फॉर्म भरने की लास्ट डेट आपकी 31 अक्टूबर है। तो अब सारे फॉर्म निकल चुके हैं, बस सवाल ये आता है कि आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिवली अपने बच्चे को तैयारी करवाना है बस, ठीक है जी। आपका सपोर्ट चाहिए, अगर आप लोगों की सोच अच्छी होगी तो आपका बच्चा जरूर सेलेक्ट होगा।
आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशीष सिंह जी का मैसेज, सर मैंने दिन में बात की थी आपके गिवन नंबर पर, तो वहां पे एक मैडम बोल रहे थे कि स्कॉलरशिप क्लियर करने के बाद आपको, और आप बोल रहे हैं कि आपको बता दूं कि आशीष सिंह जी हमारी वेबसाइट के ऊपर सारी जानकारी दी गई है, ठीक है जी, सारी की सारी, तो हर चीज यूट्यूब के ऊपर बता पाना पॉसिबल नहीं है। जो भी बच्चे पेपर क्लियर करते हैं उनसे सिर्फ और सिर्फ एडमिशन फीस चार्ज किया जाता है, बाकी उनका रहना पीना खाना बुक्स बैग मटेरियल ड्रेस हॉर्स राइडिंग स्विमिंग एनसीसी की ट्रेनिंग स्मार्ट क्लासेस ये सारी चीजें आपको टोटली फ्री मिलता है, सिर्फ और सिर्फ आपको एडमिशन फीस स्कूल में जमा करवाना पड़ता है। तो जो भी बच्चे पूरे ऑल ओवर इंडिया से एग्जाम देते हैं टॉप 51 बच्चों को हमारे स्कूल में फ्री पढ़ाया जाता है, बिल्कुल फ्री, ठीक है जी। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर पेरेंट्स के क्वेश्चन का मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा। अगर आपको अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करवाना है कि एज के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा कौन कौन सा फॉर्म भर सकता है, आपको क्या करना है, आपको अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल, ये तीन चीजें आप मुझे मैसेज कर दीजिए फटाफट, हमारी जो टीम है वो आपकी मदद करेगी, आपको गाइड करेगी, आपको ट्रेनिंग देगी और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाएगा कि एज के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा कौन कौन सा फॉर्म भर सकता है, ठीक है जी। परमीत कौर जी, आपका बच्चा आरआईएमसी देहरादून, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल नीलोखेड़ी, ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई और भोसला मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भर सकता है। परमीत कौर जी, आपका बच्चा अगले साल सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भरेगा 9th क्लास के लिए, तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, आपके बच्चे के पास लगातार 2 साल का समय और आरआईएमसी देहरादून का फॉर्म भरने का मौका मिल रहा है, बहुत अच्छी किस्मत है आपकी। आर्यन यादव जी का मैसेज है, आरके मिशन स्कूल का पेपर कब है? आरके मिशन स्कूल का पेपर पूरे ऑल ओवर इंडिया में कंडक्ट किया जाएगा 30 दिसंबर को, ठीक है जी। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी जानकारी दे चुका हूँ, वीडियोस बना चुका हूँ आरके मिशन स्कूल के ऊपर। तो आरके मिशन स्कूल का जो पेपर है, सॉरी 30 दिसंबर को नहीं है, 22 संडे के दिन है। एक मिनट, आपको पूरी जानकारी मिलेगी, सही जानकारी मिलेगी, एक सेकेंड। 20 दिसंबर को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का पेपर, आरके मिशन स्कूल की जानकारी पेरेंट्स मांग रहे थे, 20 दिसंबर को आरके मिशन स्कूल का पेपर कंडक्ट किया जाएगा, 7 एग्जाम सेंटर पे पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे पेपर कंडक्ट किया जाएगा। संदीप जी का मैसेज है, नवोदय विद्यालय का फॉर्म कब निकलेगा? नवोदय विद्यालय और आपका राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म 20 से 25 अक्टूबर के बीच में ऑनलाइन निकल जाएगा, ठीक है जी। आपको क्या करना है, अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल, ये तीन चीजें आपको मैसेज करना है, आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा कि आपका बच्चा एज के अकॉर्डिंगली कौन कौन सा फॉर्म अप्लाई कर सकता है। शुक्ला जी, किसी भी स्कूल में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, किसी भी स्कूल में, चाहे वो सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, आरआईएमसी देहरादून है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र है, ओक ग्रोव स्कूल है, किसी भी स्कूल में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है जी। चंदेश जी, आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है, 6th क्लास के लिए आपका बच्चा सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भर सकता है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल नीलोखेड़ी। तो चंदेश गोस्वामी जी, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। अगला जो मैसेज है, मालदेव जी का मैसेज है, ओक ग्रोव स्कूल क्लास 9th में एडमिशन के लिए तैयारी करना है, बिल्कुल करवा सकते हैं जी, आप हमारे स्कूल में हॉस्टल में आकर के अक्टूबर से लेकर के मार्च तक प्रॉपर तैयारी करवा सकते हैं, आपके बच्चे का 5 फॉर्म हम फ्री भरेंगे, पेपर हम दिलवाएंगे, आपको स्मार्ट क्लासेस मिलेंगी, आपका बच्चे को वीकली ऑनलाइन टेस्ट देने का मौका मिलेगा, ठीक है जी, और आपका बच्चा स्कूल में आकर के तैयारी कर सकता है। आगे चलते हैं और एक मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि दिक्कत क्या है, हमारे पेरेंट्स वीडियो देखेंगे लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ता है, आपके लिए मुझे एक मिनट का ब्रेक लेना पड़ता है, ताकि आपको इसी तरह की नई नई वीडियोज आपको रेगुलर मिलती रहे। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जल्दी से दबाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर आगे चलते हैं। सिर्फ और सिर्फ 40 लोगों ने लाइक किया है, जल्दी से जल्दी लाइक कर दो फटाफट, फिर आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी शाबाश, जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए फटाफट। और स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं,
सिर्फ 10,000 पे रजिस्ट्रेशन फीस है, और मार्च में 21 मार्च 28 मार्च और 4 अप्रैल को आपको स्कॉलरशिप टेस्ट देने का मौका मिल जाएगा। जल्दी से लाइक कर दीजिए फटाफट वीडियो को, और आज इस वीडियो का हमारा टारगेट है 500 लाइक्स को लेकर के जाना है। जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, जितने भी पेरेंट्स ऑनलाइन बैठे हैं जल्दी से लाइक कर दीजिए, फिर हम लोग आपका सवाल लेंगे। और पर्सनली आज आपको इस वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला है स्कॉलरशिप के बारे में, मैक्सिमम स्कॉलरशिप आपको कितना मिल सकता है, मैक्सिमम फीस कितनी होती है, मिनिमम फीस आपको कितना पे करना पड़ता है, ये सारी जानकारी आज हमने कवर करी है। हिमांशु शेखर मिश्रा जी का मैसेज, सर गुरुकुल में क्लास 9th में कितनी सीट्स होती हैं? आप ये मान के चलिए कि गुरुकुल में आप टारगेट करके चलो 15-20 सीटें मिलेंगी आपको, चाहे वो 7th क्लास है, चाहे वो 8th क्लास है, चाहे वो 9th क्लास है, ठीक है जी। और 1,25,000 रुपीज फीस है, एक कम से कम 110 साल पुराना गुरुकुल कुरुक्षेत्र का स्कूल है, स्कूल बहुत जबरदस्त है, और गुरुकुल नीलोखेड़ी, गुरुकुल ज्योतिसर, ये गुरुकुल कुरुक्षेत्र की ब्रांचें हैं। तो अगर आप अपने बच्चे को एक अच्छा बोर्डिंग स्कूल चाहते हैं तो गुरुकुल आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन सवाल यही आता है कि क्या आप तैयारी करवा रहे हैं, क्या आपका बच्चा तैयार है, क्या आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, क्या फाइनेंशियली आप तैयारी कर रहे हैं। शुक्ला जी का मैसेज आ चुका है, थैंक यू सर फॉर गिविंग मी राइट इन्फॉर्मेशन, देयर आर सो मेनी मिथ्स अबाउट नेगेटिव मार्किंग, बट यही तो दिक्कत है जी कि मिथ 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 सबसे बड़ी दिक्कत है यही है। आप लोगों के बच्चे हैं जो पेपर क्लियर करते हैं, बट सवाल ये आता है कि क्या आपका बच्चा फोकस्ड है। अगर आपकी सोच अच्छी है, आपकी सोच बड़ी है, दुनिया की कोई ताकत आपके बच्चे को लीडर बनने से, ऑफिसर बनने से नहीं रोक सकती है ना। लेकिन सारा खेल क्या है, फोकस का है, डेडिकेशन का है। अब 90% लोग तो पता है क्या सोच के तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी लग जाएगी, कम फीस में तैयारी हो जाएगी है ना, बढ़िया पैसा मिलेगा। तो अगर आपकी सोच भी है तो आपका बच्चा कभी भी सेलेक्ट नहीं हो सकता है। सोच अच्छी होनी चाहिए, कुछ कर गुजरने की सोच होनी चाहिए आपकी है ना। आपको सोचना है कि आपको अपनी कंट्री को सर्व करना है, आपको अपनी कंट्री को आगे लेकर के जाना है, डिफेंस फोर्सेस को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। जब तक आपकी सोच बड़ी नहीं है, कुछ कर गुजरने की है ना। मुगले आजम पिक्चर को 16 साल बनने में लग गए थे, और जब वो रिलीज हुई थी तो थिएटर में सिर्फ 1100 लोगों के बैठने की जगह थी, और करीब करीब पिक्चर देखने मुंबई में 1,00,000 लोग आए थे, 1,00,000 लोग। सोचो एक आदमी 16 साल तक सिर्फ एक पिक्चर बनाने में लगा रहा, 16 साल, समझ पा रहे हैं आप, 16 ईयर्स अपनी डेडिकेटेडली वो लगा रहा सिर्फ मुगले आजम पिक्चर को बनाने में, सोचिए। तो ये सब चीजें मैं आपके साथ सिर्फ इसीलिए शेयर करता हूं कि आपकी सोच अच्छी हो जाए। और जब बच्चा हॉस्टल में आता है तो हम लोग उसको मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, और उसकी सोच को हम लोग मोल्ड करते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो सिर्फ ये सोचते हैं कि सैलरी अच्छी मिलेगी, सरकारी नौकरी है, इसीलिए ऑफिसर बनना चाहते हैं। अगर आपकी सोच छोटी है आप कभी भी लीडर नहीं बन सकते, ठीक है जी। तो जो बच्चे आते हैं उनको धीरे धीरे ट्रेनिंग देते हैं, उनकी सोच को निखारते हैं। सत्यम उपाध्याय जी का मैसेज है, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। सत्यम जी, आपका बच्चा एज के अकॉर्डिंगली क्लास 6th के लिए पार्टिसिपेट कर सकता है, एज के अकॉर्डिंगली क्लास 6th के लिए, 9th क्लास के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। एज के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा 6th क्लास के लिए सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भर सकता है। हाँ, 9th क्लास के लिए आप गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल नीलोखेड़ी, ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, भोसला मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भरवा सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आपके ऊपर है, मेरा काम है आपको गाइड करना। मंजय रॉय जी का मैसेज है, 2 मार्च 2009 डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है जी। अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ लिखिए, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, और तीसरा मेल है कि फीमेल, ये 3 चीजें मुझे मिलेंगी तभी मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। रामदत्त शर्मा जी का मैसेज है, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है, 9th क्लास के लिए बच्चा तैयारी कर सकता है, सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। आंशी सिंह जी का मैसेज है, सर प्लीज मुझे ये क्लियर करके बताइए कि क्या आप स्टूडेंट से डेली मिलते हैं, क्योंकि मेरा बेटा सिर्फ आपकी वजह से ही एकेडमी में आना चाहता है। देखिए आंशी सिंह जी, मैं हर रोज रात को 9-10 लाइव आता हूँ, पिछले 10 सालों से तैयारी करवा रहा हूँ, 4 साल से लगातार यूट्यूब के ऊपर वीडियोज बना रहा हूँ, ठीक है जी। मैं आपको एकदम क्लियरली बता रहा हूँ कि मैं बच्चों से रोज नहीं मिलता हूँ, मैं बच्चों से हफ्ते में 2-3 बार मिलता हूँ,
और बच्चों को मैं मोटिवेट करता हूँ। मेरा काम क्या है, बच्चों की काउंसलिंग करना, बच्चों को मोटिवेट करना और बच्चों को प्रोत्साहित करना डिफेंस फोर्सेस की तरफ से लीडर बनने के लिए। आने वाले टाइम में आपका बच्चा लीडर बनेगा, सिविल सर्विसेज ज्वाइन करेगा, आपका बच्चा बिजनेसमैन बनेगा, डॉक्टर बनेगा। तो मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता रहा हूँ कि स्कूल में जो प्रिंसिपल हैं, डायरेक्टर हैं, वो सारे स्कूल को मैनेज करते हैं, वो बच्चों से डेली मिलते हैं, हॉस्टल में डेली मिलते हैं, हॉस्टल में बच्चों के, हर आदमी का काम अलग होता है। मैं बच्चों से डेली क्यों मिलूंगा, आप सोचिए। हर जो आपके स्कूल में प्रिंसिपल हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं, डायरेक्टर हैं, चेयरमैन हैं, सबका काम अलग अलग है, ये आपको समझना पड़ेगा। मैं हफ्ते में कम से कम बच्चों से 2-3 बार मिलता हूं, तो मैं चाहता हूं कि आपको बिल्कुल सही जानकारी मिले, क्योंकि आप लोग बहुत दूर से अपने बच्चों को लेकर के आते हैं और एक विश्वास के साथ आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आपको कोई फॉल्स जानकारी मिले और आप इवनिंग क्लासेस के माध्यम से शाम को सिर्फ 3 घंटे घर पे बैठ करके लाइव क्लासेस के माध्यम से अपने बच्चे को तैयारी करवा सकते हैं। एकता मौर्य जी का मैसेज, 9th क्लास में गर्ल्स का क्या प्रोसीजर है? 9th क्लास के लिए लड़कियां गुरुकुल के लिए अप्लाई कर सकती हैं। 9th क्लास के लिए लड़कियां आपका गुरुकुल के अलावा सेंट्रल हिंदू स्कूल हो गया, जवाहर नवोदय विद्यालय हो गया, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई हो गया, ओक ग्रोव स्कूल हो गया, लड़कियां तैयारी कर सकती हैं। और आप हमारे स्कूल में 9th और 10th क्लास में लड़कियों को तैयारी करवाइए। हम डायरेक्टली 11th क्लास के लिए लड़कियों को गुरुकुल के लिए, ओक ग्रोव स्कूल के लिए, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई के लिए तैयारी करवाएंगे। सेंट्रल हिंदू स्कूल की फीस काफी कम है, सिर्फ 70,000 रुपए फीस है, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूल है। सुरेंद्र सिंह जी का मैसेज है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का पेपर सेंड कर दो। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है। और इसके अलावा हर रोज दोपहर को 3 बजे हम लोग सैंपल पेपर का वीडियो डालते हैं, सैनिक स्कूल का, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का, RIMC देहरादून का, Class 6 का, Class 9 का। तो सुरेंद्र जी, मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर आप अपने बच्चे को तैयारी करवाना चाहते हैं, डेमो क्लासेस लेना चाहते हैं, तो आप दोपहर को 3 बजे हर रोज लाइव वीडियोस देख सकते हैं, लाइव वीडियोस का मजा उठा सकते हैं, टीचिंग क्वालिटी चेक कर सकते हैं, कैसे टीचर्स पढ़ा रहे हैं। अगर मैंने 1 करोड़ रुपए सिर्फ कंप्यूटर लैब बनाने में लगा दिया, 50 लाख रुपए हमने स्मार्ट क्लासेस बनाने में लगा दिया, तो सोचिए कि क्या हम एक अच्छा टीचर नहीं लगाएंगे। बहुत ही हैरानी की बात है, जो टीचिंग क्वालिटी है बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ही प्रीमियम लेवल के टीचर्स आपके बच्चे को ट्रेनिंग करवाते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है, आप खुद हॉस्टल में आइए, विजिट कीजिए, उसके बाद आपको एडमिशन करवाना है। सरिता पाल जी, आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 6th क्लास के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आपका बच्चा 6th क्लास के लिए सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल नीलोखेड़ी, ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, भोसला मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर सकता है। सरिता जी, अगर आपका बच्चा हमारे स्कूल में आता है तो आपके बच्चे के 5 फॉर्म हम फ्री भरेंगे और आपका बच्चा हमारे स्कूल के माध्यम से तैयारी कर सकता है। रामेश्वर जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से फॉर्म भरने से जनरल और डिफेंस स्टेट भरे, लास्ट ईयर ये डिफेंस 13 और जनरल स्टेट 46। समझ में नहीं आया सवाल। सार्थक चौधरी जी का मैसेज, सैनिक स्कूल का फॉर्म 20 अक्टूबर से, बिल्कुल जी, सैनिक स्कूल का फॉर्म 20 अक्टूबर से ऑनलाइन फिल होगा। ठीक है जी, आपको क्या करना है, अपनी कमर कसनी है, पूरी तैयारी करनी है और मैं खड़ा हूँ आपके साथ। आप 7419999228 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। फिर से क्या करते हैं, 1 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि काफी सारे पेरेंट्स लाइव हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ 75 लोगों ने वीडियो को लाइक किया है। जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से। और इस साल जो सैनिक स्कूल का एग्जाम है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करेगी, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी सारी जानकारी दे दी गई है। मैं हर रोज रात को 9 से 10 लाइव आता हूँ, आधा घंटा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, आधा घंटा आपके सवाल जवाब लेता हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ईमानदारी से अपना काम करते रहिए, ठीक है जी। आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए फटाफट, जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए। 78 लोगों ने लाइक किया है, जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग लाइक कर देंगे तो हमारा कम से कम 1 मिनट बच जाएगा, है ना, जल्दी से जल्दी। और आज का हमारा टारगेट क्या है, 500 लाइक्स का टारगेट है। टारगेट हमेशा बड़ा रखना चाहिए, जब तक मैं इस वीडियो के ऊपर टारगेट नहीं करूंगा, जब तक आप लोग टारगेट नहीं करोगे सैनिक स्कूल के पेपर का, ना आपको रिजल्ट मिलेगा ना मुझे रिजल्ट मिलेगा। जल्दी से जल्दी
तो देखते हैं, अभी तक सिर्फ और सिर्फ 80 लोगों ने लाइक किया, जल्दी जल्दी आगे चलते हैं और नेक्स्ट सवाल लेते हैं। आर्यन जी का मैसेज, आर्यन पनवर जी का मैसेज, सर क्या सिलेबस कवर हो जाएगा 3 महीने में? देखिए अगर बच्चा 3 महीने तैयारी करेगा तो 3 महीने के हिसाब से सिलेबस होगा, अगर आपका बच्चा 1 साल की तैयारी करेगा तो 1 साल के हिसाब से पढ़ाया जाएगा, अगर आपका बच्चा 2 साल की तैयारी करेगा तो आपके बच्चे को 2 साल के हिसाब से तैयारी करवाई जाएगी, है ना? आप समझिए इस चीज को कि अगर बच्चा हॉस्टल में आ रहा है और सिर्फ 3 महीने की तैयारी कर रहा है तो भाई 3 महीने के हिसाब से पढ़ाएंगे, 3 महीने के हिसाब से टॉपिक्स कवर करेंगे, 3 महीने के हिसाब से टाइम लगाएंगे, है ना? अब हम आपको ये तो बोलेंगे नहीं कि आप तैयारी मत करवाइए, कोई फायदा नहीं है, है ना? हम आपको ये थोड़ी बोलेंगे कि अरे भैया आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे, तैयारी करवाने का कोई फायदा नहीं है, जबकि मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं वो क्रैश कोर्स में सेलेक्ट होते हैं। सोचिए आप, क्रैश कोर्स में बहुत जबरदस्त रिजल्ट आता है क्योंकि बच्चा फोकस्ड होता है, पेपर सर पे होता है तो बच्चा भी पढ़ाई करता है, जोर लगाता है। तो आर्यन जी पॉजिटिवली सोचिए, और जो 3 महीने का टाइम है, रादर देन नेगेटिव क्वेश्चन करने की बजाय आप पॉजिटिव क्वेश्चन कीजिए, ठीक है? पॉजिटिवली तैयारी करवाइए, आपको फायदा जरूर मिलेगा। मैं कभी ये नहीं कहता कि सभी बच्चे सिलेक्ट होंगे, लेकिन बच्चे आगे बढ़ते हैं, बच्चों में इंप्रूवमेंट होती है। कई पेरेंट्स देखते हैं बच्चे ने 3 महीने में काफी अच्छा इंप्रूव कर लिया है, तो पेरेंट्स आगे कंटिन्यू करवाते हैं, पेरेंट फिर 1 साल तैयारी करवाते हैं, ठीक है जी? आगे चलते हैं। सुमेघ गौतम जी का मैसेज है, सर गुरुकुल कुरुक्षेत्र का कट ऑफ कितना जाता है? देखिए गुरुकुल कुरुक्षेत्र का 5th क्लास से लेकर के 11th क्लास का जो पेपर है वो 100 मार्क्स का होता है, ठीक है जी? और 100 मार्क्स के अकॉर्डिंगली मैं आपको बता दूं कि आपको 80 मार्क्स टारगेट करना है। अगर आपके बच्चे ने 75 या 80 मार्क्स स्कोर कर लिया तो आपका नंबर पढ़ सकता है, ठीक है जी? बट ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बच्चा कैसे तैयारी कर रहा है। और 9th क्लास के अगर पेपर पैटर्न की बात करूं गुरुकुल की, 25 नंबर का मैथ्स, 25 नंबर का इंग्लिश, 25 नंबर का आपका सोशल, ध्यान से समझिए, 25 नंबर का मैथ्स, 25 नंबर का आपका इंग्लिश आता है, 25 नंबर का आपका साइंस आता है, 15 नंबर का सोशल और 10 नंबर का आपका हिंदी आता है। तो आपके 5 सब्जेक्ट कवर किए जाते हैं और इसका जो सिलेबस है वो CBSE पैटर्न के अकॉर्डिंगली है। और अगर आप 15 बुक्स का सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जो हम आपको बुक्स प्रोवाइड करते हैं वो सब्जेक्टिव बुक्स मिलेगी, क्योंकि गुरुकुल का जो पेपर आता है वो सब्जेक्टिव आता है, सैनिक स्कूल का पेपर क्या आता है ऑब्जेक्टिव, मिलिट्री स्कूल का पेपर ऑब्जेक्टिव, लेकिन तो आपको समझना है, ठीक है जी? आगे चलते हैं। विशेष यादव जी का मैसेज, सर सैनिक स्कूल की एग्जाम टाइमिंग क्या है? सैनिक स्कूल का जो पेपर होता है 6th क्लास का वो 2.5 घंटे का होता है, और जो हम लोग वीकली ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं वो बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंगली तैयारी करवाते हैं, ठीक है जी? और जो आपका पेपर होता है 9th क्लास के बच्चों का वो 3 घंटे का होता है, और सुबह 9 बजे से लेकर के सुबह 9:30 बजे से लेकर के 9 बजे से 11:30 बजे के बीच में पेपर कंडक्ट किया जाता है। मंजीत जी को मैं पिछले 2 दिन से बता रहा हूँ कि आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है, आपका बच्चा 6th क्लास के लिए सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल नीलोखेड़ी, ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, सारे पेपरों की तैयारी कर सकता है। रमाकांत जी का मैसेज, मुझे रमाकांति जी का मैसेज मुझे समझ में नहीं आया, ना मुझे आपका कोई पीछे सवाल मिला है। भैया नाराज होने की जरूरत नहीं है, हर पेरेंट्स के सवाल का जवाब मिलेगा, इसीलिए तो मैं रोज निकलता हूँ, लाइव आता हूँ। रमाकांत जी का सवाल है फॉर्म कब पड़ेगा? मैं पिछले 1 घंटे से समझा रहा हूँ रमाकांत जी, फॉर्म 20 अक्टूबर से ऑनलाइन भरा जाएगा। एक तो आप लोग लेट आते हैं, ठीक है, वीडियो को रात को 9 बजे आप टाइम से आते नहीं है, उसके बाद आप मेरे पर ही नाराज होते हैं कि सर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, आप मुझे रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, है ना? शाबाश, वेरी गुड, पेरेंट्स को टाइम से 9 बजे लाइव आना है। और अगर आपके सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है तो वीडियो को पीछे करके देखिए, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। लेट आप है, मैं नहीं लेट हूं, मैं अपने टाइम से चल रहा हूं भाई। तो रमाकांत जी बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। पांडे जी का मैसेज आया, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है पांडे जी, 6th क्लास के लिए सारे एग्जाम दे सकता है आपका बच्चा, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, सारे पेपर। आर्यन पनवर जी का मैसेज, ओके सर मैं कल ज्वाइन कर लेता हूँ इवनिंग क्लासेस। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त आर्यन जी, अगर आप इवनिंग क्लासेस ज्वाइन करते हैं
तो एज के अकॉर्डिंगली आपका 3 फॉर्म फ्री भरे जाएगा, लाइव क्लासेस मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, 15 बुक्स का सेट, ये सारी फैसिलिटीज आपको हमारी तरफ से मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात क्या है, मैं हर रोज रात को लाइव आता हूँ, कोई दिक्कत आती है आप मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हैं। मिश्रा जी का मैसेज आया है, सर मैंने अपने बच्चे को आपके हॉस्टल में छोड़ दिया है और विनायक नाम है सर, बच्चे पर ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल जी ध्यान देंगे, अगर आप नहीं भी बोलेंगे तो भी हम ध्यान देंगे। कई बार पेरेंट्स को लगता है कि अगर वो पर्सनली प्रिंसिपल से मिलेंगे, विनय राय सर को बोलेंगे तभी ध्यान देंगे, आपको समझना पड़ेगा सिस्टम काम करता है ना। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है जहां पे हजारों बच्चे आकर के पढ़ रहे हैं, वहां पे सिस्टम काम करता है, वहां पे इंजीनियर विनय राय जी काम नहीं कर रहे हैं, प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल काम नहीं कर रहे, वहां पे सिस्टम होता है। हॉस्टल में वार्डन्स का काम है, स्कूल में टीचर्स का काम है, कोऑर्डिनेटर्स का काम है, एडमिशन के लिए एडमिशन हेड बने हुए हैं, ठीक है जी। रमेश जी का मैसेज, सर जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया जी, जय हिंद। सर्विस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट चाहिए भैया, सर्विंग सर्टिफिकेट का जो आर्मी वाले हैं उनको आपकी यूनिट से फॉर्मेट मिल जाएगा, और उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, आपका नाम होता है, आपका रैंक होता है, आपका आपका नंबर होता है, आर्मी वालों का एक नंबर होता है, ठीक है जी, वो होता है, उसमें आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ होता है, आपका एड्रेस होता है, बच्चे का नाम होता है, ठीक है जी। तो वो फॉर्मेट आपको आपकी यूनिट से मिल जाएगा भाई। मिश्रा जी बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए, रमेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, सुमेगा गौतम जी का जवाब मैंने दे दिया है गुरुकुल के कट ऑफ के बारे में, 80% नंबर लेने पड़ेंगे, 100 मार्क्स का पेपर है। सुरेंद्र सिंह जी का मैसेज है, यूपी के बच्चे अदर स्टेट में कौन से स्कूल के लिए कोई प्रायोरिटी 1, 2, 3। अरे जब आप अदर स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं फिर तो आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं ना, वो तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा स्कूल पसंद है, आपको चूज करना है। अगर आप अदर स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पंगा ले रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, सिर्फ 33% कोटा आपको मिल रहा है, तो आप देखो कि आपके आसपास कौन सा स्टेट है, कौन सा पुराना स्कूल है। राजस्थान में सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ है, हरियाणा में सैनिक स्कूल कुंजपुरा है बेस्ट, हिमाचल में सैनिक स्कूल आपका हिमाचल में सुजानपुर टीरा है, तो आपको डिसाइड करना है ना। अगर आप मध्य प्रदेश के आसपास है तो आपको एडमिशन करवाना है सैनिक स्कूल रीवा में, सोचिए। रामादत्त शर्मा जी बिल्कुल परफेक्ट है, सारे फॉर्म भर सकता है, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, सारे फॉर्म 9th क्लास के लिए। शुक्ला जी का मैसेज आ चुका है, मैं ऑलरेडी नवोदय विद्यालय का स्टूडेंट हूँ, 6th आवर स्टडी करता हूँ। देखिए अगर आप सेल्फ स्टडी करके सोच रहे हैं कि सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल या कोई भी पेपर क्लियर हो जाएगा, तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि आपका चांस मिस हो जाएगा, पेपर क्लियर होने वाला नहीं है। आप अपने आसपास देखिए, अगर आपके आसपास अच्छे टीचर्स हैं, अगर आपके आसपास अच्छे टीचर्स हैं, कोचिंग सेंटर है, अच्छा स्कूल है जो प्रोफेशनली तैयारी करवाता है, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो शुक्ला जी आपको अंबाला आना ही पड़ेगा, अंबाला कैंट हरियाणा में आकर के आपको हमारे स्कूल में तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आपका ड्रीम पूरा हो पाएगा। मैं नहीं चाहता कि मैं आपको कोई दिलासा दूं जिसकी वजह से आपका एक साल खराब हो जाए, है ना। जो बच्चे हॉस्टल में आकर के तैयारी कर रहे हैं कई बार उनका नहीं हो पाता है, सेल्फ स्टडी से तो बहुत दूर की बात है। हॉस्टल में आने का फायदा क्या है, बच्चे को पता होता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कौन से चैप्टर पे ज्यादा ध्यान देना है, कौन से चैप्टर पे कम ध्यान देना है, कौन से चैप्टर छोड़ के जाने हैं, कौन से चैप्टर पढ़ना है। जब बच्चा वीकली ऑनलाइन टेस्ट देता है तो उसमें सारा रिजल्ट एनालिसिस आता है, कौन सा एरिया स्ट्रांग है, कौन सा एरिया वीक है, आप समझ पा रहे हैं इस चीज को। चैप्टर वाइज टेस्ट देता है बच्चा, एग्जाम वाइज देता है, सिलेबस वाइज देता है। शुक्ला जी बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। जल्दी से जल्दी पेरेंट्स को क्या करना है, अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करवाने के लिए बच्चे का नाम, सॉरी बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल, ये 3 चीजें आपको मुझे मैसेज करना है जल्दी से जल्दी, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाएगा। हसन जी का मैसेज आया हुआ है, बिल्कुल डेट ऑफ बर्थ परफेक्ट है, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है, 9th क्लास के लिए आपका बच्चा सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल सारे एग्जाम दे सकता है। हसन जी, रामादत्त शर्मा जी 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल सारे एग्जाम। आगे चलते हैं,
डॉक्टर पंकज जी का मैसेज, सवाल मुझे समझ में नहीं आया, बिल्कुल दिखाई देता है जी, लेकिन मैसेज बहुत ज्यादा आते हैं ना डॉक्टर साहब, आप लोगों को भी ध्यान देना पड़ेगा कि एक साथ इतने सारे लोग लाइव आते हैं, मैसेज करते हैं, ठीक है जी, और कई पेरेंट्स लेट आते हैं तो बार बार सेम क्वेश्चन का आंसर दे पाना पॉसिबल नहीं होता है। रवि जी का मैसेज है, 2 मंथ्स के क्रैश कोर्स के चार्जेस क्या है? अगर आप नवंबर और दिसंबर में 2 महीने का क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हैं, 10 जनवरी को सैनिक स्कूल का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि 2 महीने के क्रैश कोर्स की फीस सिर्फ और सिर्फ आपकी 30,000 रुपीज है, ठीक है जी, 30,000 रुपीज में आपका बच्चा सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, RIMC देहरादून, यूपी सैनिक स्कूल की तैयारी कर सकता है। आपको क्या करना है, अक्टूबर से लेकर के मार्च तक प्रॉपर तैयारी करवाना है। मंजे रॉय जी का मैसेज है, भोसला मिलिट्री स्कूल में एनडीए का सिलेक्शन रेशियो कितना होता है? आपको मैं बता दूं कि भोसला मिलिट्री स्कूल से हर साल 15 से 18 बच्चे हर साल भोसला मिलिट्री स्कूल में एनडीए के लिए क्वालिफाई करते हैं, पेपर क्लियर करते हैं, SSB के लिए रिकमेंड करते हैं, क्योंकि भोसला मिलिट्री स्कूल में सिर्फ और सिर्फ स्पेशली एनडीए की तैयारी करवाई जाती है। तो अगर आप महाराष्ट्र के आसपास हैं, साउथ से बिलोंग करते हैं, तो भोसला मिलिट्री स्कूल के लिए आप अपने बच्चे को तैयारी करवा सकते हैं, ठीक है जी। और ये 4 तरह के प्रोग्राम आपकी स्क्रीन पर है, आप चेक कर सकते हैं कौन सा आपके लिए कन्वीनियंट है, कौन सा फाइनेंशियली आप अफोर्ड कर सकते हैं, कौन सा आपको अच्छा लगता है, ठीक है जी। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप लोगों के सपोर्ट से करीब करीब 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं, करोड़ों लोग हमारा यूट्यूब चैनल फॉलो करते हैं, करोड़ों लोग, और ये सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार से हुआ है, 4 सालों की मेहनत है। पिछले 4 सालों से लगातार मैं वीडियोस बना रहा हूँ, हर रोज रात को 9 से 10 में लाइव आता हूँ, हर रोज। तो हसन जी आपका डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है, 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल सारे एग्जाम दे सकता है। संजय कुमार जी का मैसेज है, इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है? इंटरव्यू में आपका फैमिली बैकग्राउंड देखा जाता है, बच्चे की पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन, बच्चा हॉस्टल में रह सकता है कि नहीं, तैयारी करके आया, रिलीजन से रिलेटेड क्वेश्चन, हर चीज बच्चे को चेक किया जाता है। करीब करीब 7 से 8 लोगों की टीम होती है, तो कुछ लोग बच्चे की पर्सनैलिटी देखते हैं, कुछ लोग कम्युनिकेशन देखते हैं, कुछ लोग बच्चे का GK टेस्ट करते हैं, कुछ लोग बच्चों का रीजनिंग चेक करते हैं, कुछ लोग बच्चे का फैमिली बैकग्राउंड देखते हैं, साइकोलॉजी टेस्ट होता है। तो ये रास्ता इतना आसान नहीं है, तो जो लोग इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, सोचते हैं कि सिर्फ बुक्स लेकर के काम चल जाएगा, सिर्फ 1 महीने की तैयारी करके काम चल जाएगा, तो कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म। कृष्ण कुमार जी, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल ज्योति सर का जो फॉर्म है वो जनवरी फरवरी में निकलता है, और आप अक्टूबर से लेकर के मार्च तक तैयारी करवा सकते हैं। आगे चलते हैं, सोनी नंदल जी का मैसेज है, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है, एज के अकॉर्डिंगली 9th क्लास के लिए सारे फॉर्म भर सकता है, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, कुरुक्षेत्र, ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल, दक्षाई, सारे एग्जाम दे सकता है। बट दिक्कत यह है कि ये फर्क नहीं पड़ता है कि पड़ता है कि आपका बच्चा कितने फॉर्म भर सकता है, फर्क ये पड़ता है कि आप तैयारी करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं। अगर आप तैयारी करवाएंगे तो सिर्फ 1 फॉर्म भरेगा, वो भी क्लियर कर लेगा, लेकिन अगर आप तैयारी नहीं करवा रहे तो 10 फॉर्म भरेगा, फिर भी वो 1 पेपर नहीं निकाल पाएगा। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो के नीचे जो लाल बटन है वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आपको रेगुलर ऐसी वीडियोस मिलती रहे। 1 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं फटाफट, और हर रोज रात को 9 से 10 में लाइव आता हूं, जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए चैनल को, जल्दी से जल्दी फटाफट लाइक कर दीजिए, फिर आगे चलते हैं। कल रात को फिर मिलेंगे एक नई वीडियोस के साथ, एक नए टॉपिक्स के साथ। आपकी स्क्रीन पर देखिए, जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं पिछले सालों में सैनिक स्कूल में, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई में, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई हो गया, ये सारी जानकारी आपके लिए है। तो आपको करना क्या है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और कल रात को फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जैसे आज मैंने आपको पूरा फीस के बारे में बताया, स्कॉलरशिप के बारे में बताया, ठीक ऐसे ही मैं आपको जानकारी दूंगा। तो आपको करना क्या है, जल्दी से जल्दी